गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और अभी अभी दूध आया है। सो हमने रिसेंटली कंट्रीब्यूट लाइट से दूध लेना स्टार्ट किया ना, सो सुबह सुबह वो आता है 5:30 के बीच में आता है। सो अभी दूध आ गया है एंड आज मम्मी और पापा दोनों जा रहे हैं, मम्मी पापा दोनों जा रहे हैं। सो उनको टिफ़िन वगैरह पैक किया है, टिफ़िन बन गया है और अभी वो निकलेंगे 6 बजे। सो टिफ़िन के लिए उनको कद्दू की सब्जी, पूड़ी और ये देख क्या जा रही है नानी और नानू, ये ब्रश लेके घूम रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चल नींद आ रही नानी जा रही है, नानू जा रहे हैं, बाबू जा रहे हैं, बाबू जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्यों स्कूल जाना है। इसको देखो, इसको कितना परेशान कर रहा है पापा को, पापा को पूजा भी नहीं करने दे रहा है। सो उसकी नानी ने उसको कुछ पैसे दिए हुए थे तो नानू को रिटर्न कर रहा था, नानू मैं पैसे नहीं लूँगा, आप वापस ले लो। सो नानू की पॉकेट में रख रहा था वो पीछे। और यहाँ पे ना पापा कर रहे थे पूजा, सुबह 5 बजे पापा पूजा कर रहे हैं। और ना मेरे पापा बहुत पूजा पाठ करते हैं, वो दोनों टाइम मतलब पूजा करते हैं, प्रॉपर मंदिर जाते हैं, प्रॉपर मतलब रोज़ रामायण पढ़ते हैं, तो बहुत पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पे मैं मम्मी को बोल रही थी मम्मी थोड़ा सा घर से खा के जाओ, तो मम्मी मना कर रही थी नहीं मैं जब भूख लगेगी तो ट्रेन में खा लूँगी। एंड मम्मी ने यहाँ पर बाटल में पानी भर लिया है रास्ते के लिए। नानी का बस चलता ना तो नानी रुद्रांश को अपने साथ में ले जाती है। देखो अभी उसको तैयार कर रही है कि कंघी करके मतलब कि अपने साथ स्टेशन लेके जाएंगी। वो क्या लेके जाएंगी, रुद्रांश खुद ही नहीं मान रहा था, नानी मैं चलूंगा आप दोनों को छोड़ने के लिए। सो यहाँ पे अब फाइनली मम्मी पापा जा रहे हैं और मेरा फेस देखो कैसा लग रहा है, क्योंकि आगे स्टोरी आप लोगों को पता चल जाएगी मेरे साथ क्या हुआ है। सो अभी ये देखो यहाँ पे जो भी सामान वगैरह था वो रख रहे हैं, टिफ़िन वगैरह सब पैक कर दिया है और मम्मी ने फिर से रुद्रांश को गोदी ले लिया है, क्योंकि मम्मी का मन नहीं मान रहा था हमें छोड़ के जाने का। और पापा को देखो, पापा का मतलब फेस ही उतर गया था, मतलब जब जाते हैं ना तो हो जाता है। सात बजे की ट्रेन है ना, तो 6 बजे वो लोग घर से निकल गए हैं। अभी मम्मी कुछ बर्तन पड़े हुए थे वो भी धो के गई हैं। घर पूरा खाली हो गया है, मम्मी पापा चले गए हैं, रुद्रांश गया है उनके साथ में, नानू नानी को छोड़ने मैं जाऊंगा। एंड लास्ट टाइम पापा भी गए हुए थे तो उनको भी छोड़ने के लिए वो गया था, दादू दादी को, रोने लग गया, ये लेके नहीं जा रहे थे कि लेट हो जाएगा उधर से लौटने में, बट नहीं जिद करके चला गया, मैं जाऊँगा दादू दादी को छोड़ने। और अभी नानू नानी को छोड़ने भी वही गया है। सो अभी कोई नहीं है, देखो पूरा घर खाली दिख रहा है, मम्मी एकदम से पूरा ही हो गया, मैं ही अकेली बची हूँ और ऐसे ही लग रहा है थोड़ा सा घर खाली खाली हो गया ना। तो काफ़ी दिन से ना रौनक लगी हुई थी, मम्मी और पापा दोनों आए हुए थे ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बारिश होए जा रही, कंटिन्यूसली बारिश होए जा रही, रुकने का नाम नहीं ले रही। सोच रहे थे बारिश रुकेगी तो मम्मी पापा को कहीं घुमा देंगे, बट मौसम ऐसा हो रहा है तो कहीं उनको घुमा भी नहीं पाए, कभी आएंगे तो घुमा देंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा रही थी हाथ और पैरों में। और आज पता है सुबह क्या हुआ मेरे साथ, इस बार ना मम्मी पापा आए ना तो उनके आंखों में इतने ज़्यादा आंसू आ गए थे आज मेरी हालत देख के, मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। तो मैं सुबह ना मैं शेयर करती हूँ, मैं बताती हूँ आज सुबह में क्या हुआ। उस टाइम पे रुद्रांश और रुद्रांश के पापा दोनों सो रहे थे, उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। मेरे साथ पता है क्या होता है, जब किसी को जाना रहता है ना तो मुझे नींद नहीं आती है, तो आज मेरे साथ ही वही हुआ कि मैं रात में सोई भी नहीं और सुबह जल्दी भी उठ गई, मतलब 3 बजे उठ गई थी मैं। उसके बाद 3:30 बजे मैं किचन में चली गई खाना बनाने के लिए और
मम्मी तो वैसे भी उठ गई थी, मैं जब उठी थी ना मम्मी उठ गई थी, मम्मी को भी नींद नहीं आई। तो मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि दूसरे घर में ऐसा रहता ना, समझ में नहीं आता, अपना खुद का रहता है कि हम यहाँ सामान रखा यहाँ सामान रखा, तो पता रहता है कि हमें ये बनाना है। तो मैं सब्जी वगैरह रात में कट करके रख दी थी, सुबह मैं उनका उठूंगी और पटाख से छौंक दूंगी सब्जी। सो मैंने कद्दू कट करके रखा था, सो सब्जी वगैरह तो मैंने बना ली सुबह, एंड उसके बाद फिर मैंने आटा लगाया रोटियों के लिए। सो मैंने रोटियाँ, मतलब मैंने सोचा थोड़ा सा रोटी बना दूंगी, थोड़ा सा पूड़ी बना दूंगी, जो मम्मी और पापा को ठीक लगेगा खाने में तो वो खा लेंगे और ले जाएंगे। तो मैंने पूड़ियों के लिए कढ़ाई रखी ना गैस पे, तो मैंने पूड़ियाँ तो बना ली। मैंने सोचा कि अब पूड़ी बन गई, मैं रोटी के लिए तवा रख लेती हूँ। और मैंने जैसे ही पूड़ियाँ बनाई उसके बाद ना मेरा पता नहीं क्या हुआ, तबीयत एकदम से ख़राब हो गई, आँखों के सामने एकदम धुंधला धुंधला हो गया और ना चक्कर आने लग गए मुझे, और समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। मैं जाके फ़ैन के नीचे बैठ गई, बट फैन के नीचे बैठी ना तो इतनी गर्मी लग रही, इतनी गर्मी लग रही, तो मैं चेयर पे बैठी तो मुझे ऐसा लग रहा मैं चेयर से ही नहीं गिर जाऊँ। मैं ज़मीन पे बैठी है ना, तो ज़मीन पे भी मुझे ऐसा लग रहा था मैं बैठूँ नहीं, बस लेट जाऊँ ज़मीन पे, कि ज़मीन मुझे थोड़ी सी ठंडी लगे। ठंडी मतलब इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बीपी लो गया, बट बीपी लो तो हो गया था, वो एक अलग चीज़ थी कि हाँ बीपी लो गया। मेरे संग में है, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, अगर मैं नमक का वाला पानी नहीं पीऊँ ना तो मेरा बीपी लो हो जाता, मतलब नमक अगर कम लेती हूँ, हमारे घर में थोड़ा सा नमक तेल मिर्च मसाले ये थोड़े कम ही खाए जाते हैं, नमक अगर मैं कम लेती हूँ ना तो मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। सो मैंने नमक वाला पानी नहीं पिया हुआ था, सुबह मैं मोस्टली उठती हूँ तो नमक वाला पानी पी लेती हूँ या कोकोनट वाटर ले लेती हूँ, तो आज वो दोनों ही चीज़ें नहीं हो पाई। सीधा उठ के मैं किचन में खाना बनाने के लगी, एकदम से वो फिर तेल का बनाया ना, तो उसके वजह से फिर क्या हुआ, बीपी लो हो गया। और फिर इतना मतलब ऐसा लगा कि मैं अब पता नहीं क्या ही होगा मेरे संग में, और मम्मी पापा तो दोनों को टेंशन हो गई। पापा भी उठ गए थे, हाँ पापा उठ गए थे, और पापा मतलब पापा ने देखा कि ना इसको क्या हो गया, तो मम्मी से सीधे पूछने लगे। अब मैं तो इस कंडीशन में नहीं कि वो मेरे से पूछ सकें, हम बैठ हम बात कर पाएँ, तो मेरे पहले मेरे पास में खड़े हो गए, फिर मम्मी को पूछते क्या हो गया क्या हो गया। पापा को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, मम्मी की आंखों में आंसू, मम्मी रोने लगे कि पता नहीं अब इसको क्या हो गया। तो फिर मम्मी ने बोला मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मम्मी ने मुझे कभी इस तरीके से ऐसी हालत में देखा, क्योंकि ये बीपी की प्रॉब्लम मुझे पहले नहीं थी, अभी जब शादी के बाद, शादी रुद्रांश मेरा, मैंने रुद्रांश को कंसीव किया था ना, उसके बाद से ये मुझे प्रॉब्लम होने लग गई। तो जब भी मैं नमक कम लेती हूँ ना तो मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। सो पापा मामा को देखने लगे और मामा मुझे देखे जा रहे हैं। फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे फटाक से नमक वाला पानी दो, तो मम्मी ने मुझे नमक वाला पानी दिया, एंड फिर उसके बाद मैंने थोड़ा नमक का पानी पिया और आंखों से आंसू टप 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 होए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद मुझे वॉमिटिंग हो गई, तो मैंने कुछ ज़मीन पर वॉमिटिंग कर दी, क्योंकि कुछ मतलब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके बाथरूम के पास जाऊँ और वॉश बेसन या पॉट में करके आऊँ, इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, बट मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था और आंखों से कुछ दिख भी नहीं रहा था, पूरा धुंधला धुंधला हो रखा था। सो फिर मैं वहीं ज़मीन पे मैंने वॉमिटिंग कर दी, और फिर मम्मी ने उसके बाद मम्मी को लगा और आ रही है इसको, तो मम्मी डस्टबिन लेके आए, तो उसमें फिर मैंने डस्टबिन में की, फिर पापा ने बताया वो जो वॉमिटिंग किया होता ना मैंने ज़मीन पे, पापा ने वो साफ किया पूरा। मम्मी रोने ही लग गई थी, आंसू आने लग गए थे मम्मी को कि हम जा रहे हैं और इसको पता नहीं क्या हो गया, कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो फिर मैंने थोड़ा सा नमक वाला पानी पिया, फिर मैंने थोड़ी देर बैठ ही रही, एंड उसके बाद थोड़ा सा मुझे ठीक लगा, उसके बाद फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मतलब मुझे ना ऐसा सोच के ऐसा लग रहा था ना कि यार मम्मी पापा जा रहे हैं, मम्मी पापा को ये बस बात की टेंशन थी कि हम जा रहे हैं और इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो फिर मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा बीपी लो हो गया था, एंड बीपी लो के बाद फिर वो जो तेल की स्मेल थी ना, मुझे तेल मोस्टली अगर मैं सुबह सो के उठना होगा तेल का कुछ बना लूँ ना तो मेरे संग में होता है, अगर मैं नमक वाले पानी पी लेती ना या कोकोनट वाटर लेती तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा तेल की स्मेल से मुझे वॉमिटिंग वगैरह होने लग जाती है। ये सारी चीज़ें थी आज मेरे साथ जो हुआ, और मम्मी पापा ने देखा मुझे उस कंडीशन में, तो उनका ना आँखों मतलब जो उनका फेस था ना मेरे, इस तरीके से मुझे इतना बुरा लग रहा था उनकी वो देख के, उनको उनको लग रहा था मुझे देख के और मुझे उनको देख के लग रहा था कि उन्होंने मुझे इस कंडीशन में देखा है। मोस्टली मेरे संग होता है, बीपी लो होता है, बट इस तरीके से कभी नहीं हुआ कि भाई वॉमिट ही कर दिया मैंने, और वॉमिट किया तो मतलब इतना भी नहीं था कि मैं बाथरूम तक जा सकूं, बाथरूम में करके आऊं, मुझे मतलब वहीं पे कर दिया मैंने ज़मीन पे। फिर पापा ने पूरा साफ किया, मम्मी ने पानी दिया मुझे नमक वाला, फिर थोड़ी देर बाद मुझे
5-10 मिनट बाद थोड़ा सा बेटर फील हुआ। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को टिफिन वगैरह पैक किया, क्योंकि उनका ट्रेन का भी टाइम था ना, तो उनको निकलना था। पता है जब भी वो आते हैं ना, तो पता है पापा हमेशा ना रोने लग जाते हैं ना, तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा बुरा लगता है। होता है जब माँ बाप अपने बच्चे को छोड़ते हैं ना, तो सभी को लगता है। मैं आज की वीडियो में कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा लंच वगैरह करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, एंड उसके बाद फिर मैंने अभी मोबाइल उठाया। मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ एंड इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, और सुबह जो मेरे साथ हुआ वो थोड़ा सा शेयर करती हूँ। इसलिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, अगर किसी को ये बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है ना, तो अपना ध्यान रखिए। अब ऐसा ना हो, मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा मेरे साथ फिर कभी ना हो लाइफ में, क्योंकि एक बार कोई चीज़ हो जाती है ना, तो फिर हमें सबक ले लेनी चाहिए उस चीज़ से। हाँ, सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है काम के साथ साथ। अगर मैं सुबह उठ के नमक का पानी पी लेती तो शायद मुझे लग रहा है ऐसा नहीं होता, बट मुझे होता है। अगर मैं तेल का सुबह से उठ के कुछ बना दूँ ना, मेरे संग में होता है। मैं इसलिए मोस्टली बहुत कम चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कभी कुछ तेल का बना रही या पूड़ियाँ बनी हमारा, तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब पूड़ी वगैरह बहुत ही कम बनती है। चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पैन करती हूँ। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड इसी तरीके से मेरे चैनल पर जुड़े रहिए एंड अपना ढेर सारा प्यार दीजिए।